रनिंग का शौक तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन हस्बैंड के ट्रांसफरेबल जॉब के वजह से इस शौक को लेकर ज़्यादा दूर तक कभी जा नहीं पाई। अभी जब हमने एक छोटा सा घर ले लिया है अपना, तभी मेरा ये सपना है कि मैं भी अपने घर में एक ग्रीन जोन बनाऊं। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे श्वेताज दुनिया में। तो जो भी गार्डनिंग में मेरे जैसे बिगिनर है, तो ये वीडियो मैं उन लोगों को डेडिकेट करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जो बैल्कनी है वो बहुत ही छोटा है और बैक साइड में होने के वजह से धूप बिल्कुल ही नहीं आती है, और वहीं पे मुझे कपड़ा भी सुखाना पड़ता है। तो मैं इसीलिए बैल्कनी में पौधा नहीं लगा सकती हूँ, मतलब बैल्कनी में कोई भी गार्डनिंग नहीं कर सकती हूँ मैं। तो मैंने कोशिश जारी रखी और मैंने सोचा चलिए अपना एक विंडो गार्डन में बनाती हूँ, और बेडरूम में धूप आती है मेरी, तो इसीलिए मैंने बेडरूम के दोनों विंडोज़ में ही पौधा लगाना शुरू किया। अभी देखिए, ये सबसे जो आसानी से आप लगा सकते हो वो है मनी प्लांट। तो मेरा ये मनी प्लांट एकदम मतलब नीचे आ रहा था, तो मुझे एक मॉस्टिक चाहिए था इसके लिए, तो मैंने यहाँ पे एक DIY मॉस्टिक बनाया है इसके लिए। इसके लिए मैंने एक हैंगर लिया है और उसको देखिए मैंने ऐसे राउंड शेप में बेंड कर लिया था, और उसके ऊपर जो नारियल का छिलका आता है उसमें उसका अंदर डाल के, और उसके बाहर जूट रोप अच्छे से मैंने बांध दिया है। देखिए अभी इसमें मैंने मनी प्लांट को चढ़ा दिया, और तो दो एक जगह में मैंने वही जूट रोप से ही हल्का सा बांध दिया है। तो जो भी रूट आएगी तो उसी में मतलब मॉस्टिक की तरह ही इसमें चढ़ जाएगी ये, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी मुझे देना है मॉस्टिक को गीला रखने के लिए। अभी देखिए मैंने प्लास्टिक का जो पॉट है उसमें मैंने एक्रेलिक कलर कर दिया है, थोड़ा साइन आ गई है इससे, और मैं इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं कर रही हूँ। जूट और ब्लैक कलर में ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। और देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी स्प्रे कर रही हूँ मॉस्टिक में। देखो अभी ये बिल्कुल तैयार है। अभी आप इसको घर के किसी भी कॉर्नर में रख दो, लिविंग रूम में, बेडरूम में, तो वहाँ की खूबसूरती दुगनी हो जाएगी, है ना? मेरे पास ऐसा 4 MDF बोर्ड का कोस्टर पड़ा था, तो मैंने सोचा इसको जोड़ के ही मैं प्लांटर बनाऊंगी, लेकिन वो बहुत ही छोटा पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया और इसमें मैं चिपकाऊंगी एक हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है और ये देखने में भी बहुत सुंदर है। देखिए कलर मेरून कलर का है, तो इसको मैं पूरा चिपका दूंगी इस कार्डबोर्ड में। मैं यहाँ पे ग्लू गन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेविकॉल से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। अंदर भी मैं यही कागज़ जो है हैंडमेड पेपर है वो लगाऊंगी। देखिए ऐसे अच्छे से इसको फोल्ड करके लगाना है ताकि इसका फिनिशिंग अच्छा आए। अभी देखिए हो गई ये, और अंदर मेरे पास ये प्लास्टिक का एक मैट था, उसको इसके काट लिया इसके नाप का, और नीचे मैं चिपका दूंगी ताकि ये प्लास्टिक के होने के वजह से
ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होगा। अभी इसको मैं सूखने रख दूंगी, ये जल्दी सूख जाएगी। आप फेविकॉल लगा रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में, अदरवाइज ग्लूगन यूज़ कर रहे हो तो जल्दी सूख जाएगी। अभी मैं देखिए ये कोस्टर ले रही हूँ और इसको ग्लूगन की मदद से वो कार्डबोर्ड बॉक्स में चिपका दूंगी साइड में। और मेरून के साथ ये कलर बहुत ही जच रहा है ना, चारों तरफ मेरा दो दो सेम डिज़ाइन का है, तो सेम डिज़ाइन का जो है तो ऑपोजिट साइड में लगाऊंगी। कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही पसंद आ रही है इसकी, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये आइडिया। आपके पास अगर कोई कोस्टर नहीं भी है तब भी आप ऐसा ही रख सकते हो, ये भी बहुत कलरफुल लगेगा। आप हैंडमेड पेपर दो तीन कलर ले आओ और उसको अलग अलग कार्डबोर्ड बॉक्स में लगा के ऐसे प्लांटर बना सकते हो आप। और अगर आपके पास कोई दूसरा वुडन कोस्टर भी है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या प्लास्टिक का मैट है वो लगा सकते हो, वो प्रिंटेड जो मैट आती है वो भी आप लगा सकते हो। देखिए मेरा प्लांटर बिल्कुल रेडी है। उफ, मैं तो भूल ही गई इसमें कुछ और भी रखना है। देखिए नीचे एक प्लास्टिक का कुछ भी प्लेट जरूर रखिए, नहीं तो ये प्लांटर गीली हो जाएगी। अभी आप आराम से इसमें पौधा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्पाइडर प्लांट रखा है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मेरे पास ये पुराना टेराकोटा पॉट में जेट प्लांट लगा हुआ था, तो मैंने सोचा ये थोड़ा पुराना है, कलर भी छूट गई है इसकी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा कलर करके नया बना दूँ। इसके लिए मैंने लिया है एक्रेलिक कलर, फेविक्राइल का इंडियन रेड कलर है ये, तो इसको मैं अभी पूरे में कलर कर दूंगी तो बिल्कुल पॉट बिल्कुल नई बन जाएगी। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं एक मिनिएचर गार्डन बनाऊं इसी में। हाँ हाँ मुझे पता है मिनिएचर गार्डन के लिए एक फ्लैट बेस चाहिए रेक्टेंगुलर, लेकिन मेरे पास तो अभी है नहीं, तो क्या मैं ट्राई नहीं करूँगी इसके लिए। तो चलिए जो सोचा उसको थोड़ा करके देखती हूँ और मुझे लगा कि आप लोगों को भी थोड़ा दिखा दूँ। इसके लिए मैंने लिया है आइसक्रीम स्टिक्स और इसको मैं काट रही हूँ, साइड का मैंने काट दिया है और एक ही साइज का मैंने चार आइसक्रीम स्टिक काट लिया है और इससे मैं बनाऊंगी एक बेंच। मेरे जो पार्क बना रही हूँ मैं उसमें एक बेंच रखना है मुझे। अभी मैं ग्लूगन की मदद से मैं पीछे जो काट दिया था जो हिस्सा उसको मैं लगा दूंगी, तो ये देखिए आपको देखने से ही पता चल जाएगा मैं कैसे बना रही हूँ। अभी नीचे मेरे पास दो ऐसा बीड्स था, वो बीड मैंने लगा दिया है और ये एक छोटा सा बेंच बन गया है। अभी इसमें मैं वाइट कलर कर रही हूँ, वाइट के साथ ग्रीन अच्छी लगेगी तो मैंने सोचा वाइट ही कर देती हूँ। आपके पास अगर रेक्टेंगुलर
कोई पॉट है तो आप इसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ा आया मुझे ये बनाने में। बहुत तरह से आप बना सकते हो मिनिएचर गार्डन। मैं बाद में कभी ट्राई करूँगी, मेरे पास जब रेक्टेंगुलर कोई पॉट मिलेगी मुझे तब, तो उससे तब मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी जो बनाऊँगी। अभी के लिए तो मैं इतना ही कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ वो। चलिए देखिए, मैंने ये पत्थर रख दिया है, स्टोन जो वाइट कलर का है वो रख दी है मैंने। अभी मैं इस कपल को यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर एक मिनिएचर गार्डन बन गया है मेरा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को आज का वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नए फ्रेंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे का रेड बटन दबाने से ही आप लोग सब्सक्राइब्ड हो जाओगे, और बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।